जम्मू के सुजवान कैंप पर आतंकी हमले में शहीदों की संख्या अब 2 से 5 हो चुकी है। रविवार को एक जेसीओ समेत 3 जवानों की शहादत का पता चला। हालांकि सुजवान में ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। तीनों आतंकियों को पहले ही मार गिराया जा चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने सुजवान हमले में हाथ होने से इनकार किया। अड़तालीस घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दहशत बरकरार है। जप्पे जप्पे की तलाशी ली जा रही है। आशंका है कहीं कोई और आतंकी जवानों की गोली से बच ना गया हो। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। हथियारों से लैस जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी हो रही है। जम्मू का ये वही सुंजवान आर्मी कैंप है जहां शनिवार तड़के जैश मोहम्मद के आतंकियों ने दहशत फैला दी थी। कई घंटे तक चले एनकाउंटर में तीनों आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना का जवाबी ऑपरेशन करीब 40 घंटे के बाद खत्म हो गया, लेकिन आर्मी कैंप में सैनिटाइजेशन और सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है। इस बीच शहीदों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई है। रविवार को फैमिली क्वार्टर की तलाशी के दौरान एक जेसीओ और 2 जवानों के शव मिले। शनिवार को 2 अफसर आतंकियों के हमले में उसी वक्त शहीद हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में एक बुजुर्ग की भी बॉडी मिली जो जवान के पिता हैं। कुल 10 लोग जख्मी हैं, इनमें 6 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। 14 साल के एक बच्चे के सिर में गोली लगी है जिसकी हालत अभी भी गंभीर है। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में एक जेसीओ, 2 जवान एवं 1 जवान के पिता के शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 6 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें से 2 जेसीओ, 3 जवान एवं 1 सिविलियन शामिल है। सुंजवान कैंप के जिस फैमिली क्वार्टर में आतंकी छिपे थे, वहां पर अब सेना के जवानों का कब्जा है, लेकिन अभी भी आर्मी के जवान किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। इसलिए अब भी चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से कैंप के पिछले हिस्से में फैमिली क्वार्टर में रहने वाले लोगों को निकाला जा चुका है। सेना की पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह यहां रह रहे परिवारों को कोई नुकसान ना हो। सिचुएशन जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। बड़ा डेलिबरेट तरीके से एक्शन किया जा रहा है और हमारा जो मेन एम है वो मिनिमम है, ऐसा हो कि कैजुअल्टीज की कोलैटरल डैमेज ना हो। सुंजवान हमले पर जम्मू से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सरकार ने भी पूरे हालात पर नजर बना रखी है। आश्वस्त रहिए, हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि सेना पर हमला करने वाले तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और सीमा पार से हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए थे। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने सुंजवान कैंप पर हमले में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार कर दिया है। हालांकि जवानों की शहादत के बाद पूरे देश से ही आवाज उठी है कि वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने का है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को काबू में करने का, पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय करो और जो सीमाओं पर देशद्रोही हमारे शहीदों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं उनको सबक सिखाने के लिए एक के बदले 100 अटकर लाओ। हमको यकीन करना है कि हम पाकिस्तान आर्मी को और आईएसओ को आईएसआई को बड़ी ज़बरदस्त पनिशमेंट दें। दूसरा, जो जितने भी टेररिस्ट के आकाज हैं जो पाकिस्तान में खुले तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, तमाम ओवर्ट और कोवर्ट मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए उनको खत्म करना है। सर्च ऑपरेशन के बीच एनआईए की टीम सुंजवान कैंप में सबूत खंगालने में जुट गई है, जिससे आतंकियों और इस हमले के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद सवाल यही है कि आखिर कब तक देश ऐसे ही जाबाजों की जान गंवाता रहेगा। मनीष प्रसाद के साथ रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू।